किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस पर मेहरबान हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स के साथ भी हुआ, जब एटीएम मशीन में तकनीकी खामियों के चलते उसके हाथ 9 करोड़ रुपए लग गए। आगे क्या हुआ जानना है तो देखिए रिपोर्ट। एटीएम मशीन में तकनीकी खराबियों के चलते ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स झटके में करोड़पति बन गया। इस शख्स ने इन पैसों से खूब मौज मस्ती की और 5 महीने में उड़ा भी दिए। हैरानी की बात यह है कि बैंक को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि इसके बाद उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। हाल ही में एक शख्स ने जब पॉडकास्ट में इस पूरी घटना के बारे में बताया तो सुनने वाले सभी लोग दंग रह गए। पेशे से बारटेंडर डैन सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के वांगरगट्टा के रहने वाले हैं। ये शख्स शराब पीने के इरादे से निकला था। उन्होंने एक एटीएम से करीब 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कैंसिल का मैसेज दिखाई दिया। हालांकि जब उन्होंने ट्रे से पैसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें कैश मिल गया। उन्होंने देखा कि अकाउंट से भी पैसे नहीं कटे। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद फिर इसी एटीएम से 68,000 रुपए निकालने की कोशिश की, वापस वही मैसेज फ्लैश हुआ और पैसे भी निकल गए। ऐसे करते करते डैन ने 9 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसके बाद डैन ने बैंक में फोन कर ये जानने की कोशिश भी की कि उनके खाते में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन जब बैंक ने संतोषजनक जवाब दिया तो वे निश्चिंत हो गए। इसके बाद उन पैसों से जमकर अय्याशी करना शुरू कर दिया। डैन ने नामी रेस्टोरेंट और पब में शराब पर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि उन्होंने 20 सीटर प्राइवेट जेट में अपनी महिला दोस्तों को घुमाने पर 40 लाख रुपए खर्च कर डाले। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक डैन ने मिनी बस भी किराए पर ली थी। इसके बाद मेलबर्न में मौजूद लगभग सभी बैकपैकर हॉस्टल के बाहर रोक कर लोगों को बिठाया, फिर यारा वैली में उनके साथ पूल पार्टी की। हालांकि डैन के मन में हमेशा ये डर सताता रहा कि वो कभी ना कभी जरूर पकड़े तो जाएंगे। आखिरकार 3 साल बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चोरी और धोखाधड़ी के मामले में जेल भेजा गया है। 2016 में डैन को रिहा कर दिया गया। इसके बाद इस शख्स की अय्याशी पर फिल्म बनाने की भी चर्चा जोरों पर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।